जी नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी भी कोई भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड्डी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रोटियों के लिए आटे को छान लूँगी। छानने के बाद में उसमें मैंने डाला है नमक, स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद में फिर मैं थोड़े थोड़े पानी को उसको आटे को गूँथ लूँगी। रोटियों के लिए आटा अपन नॉर्मली गूंथते हैं, तो मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ फटाफट। फिर आटा लगाने के बाद में फिर मैं इसको जब तक और काम करूँगी तब तक मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है और आटा लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे ढक के रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। मेरा आटा लग चुका है तो मैंने यहाँ पे रेस्ट के लिए रख दिया। उसके बाद में फिर मैंने 4-5 हरी मिर्च ली है, तो हरी मिर्च को मैंने धो लिया है। धो के फिर बारीक बारीक उसको कट करना है, तो एक एक करके मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया है। हरी मिर्च कट होने के बाद में फिर मैंने लहसुन लिया है, तो लहसुन को भी मैंने पील कर लिया है, छोड़ लिया है। तो लहसुन ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 5-6 कलियाँ लहसुन के लिए है। थोड़ी तो अपन कूट के डालेंगे, थोड़ी छौंक के अंदर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लहसुन छोड़ लेती हूँ। लहसुन छोड़ने के बाद में फिर मैं धनिया को भी छांट लूँगी। धनिया को छांटने के बाद में उसको भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक सारी चीज़ों को कट कर लिया है। अब यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने छाछ ली है। छाछ के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन डालने हैं, जिसको मैंने छन्नी से छान लिया है। छन्नी से छानने से ये होता है कि कुछ इसके अंदर मोटी पीसी, घर का पिसा हुआ बेसन है, तो इस वजह से कोई दाल वगैरह भी ना रहे अंदर और इसमें लम्स भी ना पड़े। फिर बेसन छानने के बाद फिर मैंने इसमें डाली है, फिर मैंने इसमें हल्दी डाल ली है। हल्दी आधी चम्मच से भी कम डाल ली है। हल्दी डालने के बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाल ली है। ये छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं है। और फिर 1 ही चम्मच फिर मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धना डाला है और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर इसको सारे जो ये इसको मिक्स कर लेना है, सारे मसालों को छाछ के अंदर, इसमें लम्स ना रहे एक भी। तो एक के मैंने ये पूरी इसमें मिक्स कर ली। फिर यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई रखने के बाद में फिर मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया है। तेल ऐड करने के बाद में फिर मैंने जो लहसुन था उसको कुछ तो मैं कूट के डालूँगी और कुछ लहसुन की कलियाओं को मैंने बारीक बारीक कट कर लिए, ये छौंक में डालूँगी और बाकी का लहसुन बाद में डालूँगी। फिर मैंने चमचे के ऊपर ही फिर मैंने इसमें राई ली है। राई लेने के बाद में थोड़ा सा जीरा लिया है। जीरा लेने के बाद में मैंने चुटकी भर हींग लिया है। हींग को मैं बाद में डालूँगी, छौंकन में नहीं डालूँगी हींग को। फिर अब तेल गर्म हो चुका है, तो तेल गर्म होने के बाद में फिर सबसे पहले मैंने लहसुन डाला है। लहसुन थोड़ा बहुत भुन गया तो मैंने गैस को कम कर दी। गैस कम करने के बाद में मैंने डाल ली हरी मिर्च। तो सिर्फ इसको हरी मिर्च डालते ही फिर मैंने इसमें डाले हैं कड़ी पत्ते, जो ये इसको मीठा नीम भी बोला जाता है इसको। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में सिर्फ 1 मिनट के बाद में ही मैंने ये छाछ का घोल है और जो इसको मैंने ऐड कर दिया। छाछ का घोल डालने के बाद में फिर मैंने हींग है, हींग को भी डाल दिया लास्ट में। हींग डालने के बाद में फिर मैंने लहसुन की कर लिया है। कुछ तो छौंक में डाल दी थी और कुछ मैंने इसको कूट लूँगी, कूट के डालूँगी। तो लहसुन मैंने कूट लिया है। यहाँ पे कूटने के बाद में फिर जो कड्डी है उसको अपन को लगातार हिलाना है, जिससे वो कड्डी फटे नहीं। अपने कड्डी तब तक हिलानी है अपन को तब तक इसके उबाल नहीं आ जाए। तो यहाँ पे मैं कड्डी को हिला रही हूँ और हिलाने के बाद में देखो ये उबाल आ गया है कड्डी में। उबाल आने के बाद में फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। उबाल आने से बाद में ही मैं हरा धनिया ऐड कर देती हूँ उसमें। फिर दोस्तों फिर मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, इसमें क्रश करके डाल ली है बारीक बारीक। तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी को ऐड कर दिया।
फिर वहाँ पे तब तक कढ़ी बन चुकी, तो यहाँ पे फिर मैंने चावल, एक कटोरी चावल लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह धोए हैं, 4-5 पानी में अपन को धोना है। धोने के बाद में फिर मैंने कुकर पे पानी पानी रख दिया था गरम होने के लिए, और फिर जब तक पानी गरम हुआ तो मैंने उसमें चावल ऐड कर दिया। फिर चावल को एक बार चमचे की सहायता से हिलाया है मैंने उसको। हिलाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे सीटी लगाना है। फिर ये रिंग है, इसको मैं चेंज करके लगाती हूँ कि इसको, ये जो पानी है जो वो बाहर नहीं निकले चेंज करने से रिंग को। तो फिर मैंने यहाँ पे कुकर लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद में यहाँ पे चावल की सीटी आ चुकी है, तो चावल यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो फिर मैंने गैस बंद करके कुकर को नीचे उतार के रख लिया है। चावल तो यहाँ पे बन चुके, कड्डी बन चुकी, तो मैं यहाँ पे आटा लगा ली थी पहले ही। तो यहाँ आटा लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे एक एक करके सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके सारी रोटियाँ बना लिए थे, और फिर मैंने घी भी लगाती जा रही हूँ साथ में रोटियों के। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, फैमिली चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ना बोलना। तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ थाली। तो यहाँ पे पहले चावल डाल दिए, चावल डालने के बाद में कड्डी डाल दी है, और फिर रोटियाँ रख दी है, थोड़े से प्याज कट करके रख दिया है। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।